हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक सर्च। आज हम आप लोगों को एक ऐसे रिचार्ज ऐप के बारे में बताएंगे जिससे आप मोबाइल रिचार्ज करके मैक्सिमम कमीशन प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप उसमें उसके वॉलेट में बैलेंस कैसे ऐड कर सकते हैं, मोबाइल रिचार्ज कैसे करना है और आपको इसकी आईडी कैसे मिलेगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ये ऐप है पे टूडे इंडिया। इस ऐप को जो हमारे में इंस्टॉल है, आप प्ले स्टोर पर जाकर इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। इसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो ये हम ऐप ओपन करते हैं। ओपन करते समय आपको आईडी पासवर्ड मांगेगा, जिस आईडी पासवर्ड को प्राप्त करने के लिए हम आपको वीडियो के लास्ट में बताएंगे कैसे प्राप्त करना है। तो ये देख सकते हैं कुछ ऐसा खुल कर आ गया है। इसमें सबसे पहले ऐड बैलेंस करना है। आप अभी हमारे में 130 यहाँ देख पा रहे होंगे, अगर आप करेंगे तो इसमें 00 देखेगा। तो हमको ऐड कैसे बैलेंस ऐड करना है ये हम आपको सबसे पहले बताएंगे। जैसे ही आप ऐड मनी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अमाउंट डालने को कहेगा। तो आप यहाँ पर 250 से कम नहीं डाल सकते हैं, जैसा कि हम 200 आपको डाल के देख रहे हैं। ये फील्ड आ रहा है कि मिनिमम 250 ही डालना है, जैसा कि हम आपको 250 डाल के दिखा देते हैं। ऐड मनी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं किसी भी ऐप पर जाकर आप ऐड कर सकते हैं। तो हम अभी क्लियर नहीं कर सकते हैं। अगर आपको करना होगा तो पेटीएम या गूगल पे इस पर क्लिक कीजिए और वहाँ पर जाके पेमेंट कीजिए। उसके बाद डायरेक्ट यहीं पर रिडायरेक्ट हो जाएगा। तो आप इसमें देख सकते हैं कि बहुत सारी सर्विसेज हैं, APS, मनी ट्रांसफ़र, पे, और यहाँ आप ऑल सर्विसेज में आइए। तो APS सेटलमेंट, मोबाइल रिचार्ज, DTH रिचार्ज, पोस्टपेड बिल, ये सारी सर्विस आप यूज कर सकते हैं। तो हम आपको बताएंगे कैसे मोबाइल रिचार्ज करना है। जैसे हम मोबाइल रिचार्ज पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप ये सारे कंपनी का नाम देख सकते हैं। तो हमको जियो का करना है, हम जियो चूज करेंगे और यहाँ पर मोबाइल नंबर डालने के लिए बोल रहा है, तो हम अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे। उसके बाद आप अमाउंट देख सकते हैं, वहाँ से आप प्लान भी चेक कर सकते हैं। जैसा कि अभी के लिए ये सारे प्लान हैं, जो भी करना होगा तो आप कर सकते हैं। जैसा कि हम 155 वाला रिचार्ज सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आप यहाँ रिचार्ज 155 ग्रीन कलर से लिखा आएगा, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे कंटिन्यू के लिए मांगेगा, आप कंटिन्यू करेंगे तो आपका रिचार्ज हो जाएगा। लेकिन अभी इतना बैलेंस नहीं है तो आप इंफ्लुएंस मिनिमम बैलेंस का एरर देख सकते हैं। तो आप पहले वॉलेट में पहले पैसा ऐड कीजिएगा, उसके बाद रिचार्ज कीजिएगा। तो अभी के लिए हम इसे ओके करते हैं। हम बैक आते हैं। ये आप मोबाइल रिचार्ज देख लिए हैं, उसके बाद आप कर सकते हैं। अभी के लिए हम आपको दिखाते हैं कि इसमें कमीशन कितना है। आप यहाँ पर क्लिक कीजिए और पैनल पर क्लिक कीजिए। जैसे करेंगे आप देख सकते हैं, आप यहाँ पर एक देखेंगे कमीशन, रिचार्ज कमीशन के बारे में। तो रिचार्ज कमीशन पर क्लिक करेंगे तो प्रीपेड पे देख सकते हैं आप, क्लिक किया हमने। आप इसमें स्लैब चेक कर सकते हैं। एयरटेल पर यहाँ 00 दिखा रहा है, लेकिन आप स्लैब पे जाएंगे। जैसे स्लैब पे जाएंगे देख सकते हैं 1 से 179 तक 2.30% दे रहे हैं। उसके बाद 180 से 299 तक 2.65% दे रहे हैं, और 300 से 10,000 तक रिचार्ज में 2.90% दे रहे हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं BSNL में 4.45% है, और जियो में देख सकते हैं 2.55 और 2.90% है। वहीं पर आप फ़ोन में देख सकते हैं 2.60% है। तो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं कि गूगल पे से रिचार्ज करने पर कुछ भी नहीं मिलता है,
और अदर किसी पे करने पर 1% या 0.5% मिलता है, सबसे ज़्यादा है। तो आप कमीशन रेट समझ चुके होंगे, तो हम वापस आते हैं। अभी के लिए आप देख सकते हैं कि कैसे आपको रिचार्ज करना है, हमने बता चुके हैं। कैसे बैलेंस सेट करना है, इसमें कमीशन कितना है, कमीशन चार्ट भी आप देख चुके हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आप जो भी रिचार्ज करेंगे, यहाँ नीचे हमने आज रिचार्ज किया हुआ है, तो आप ये देख सकते हैं कि ऐसे रिचार्ज सक्सेस आता है। तो आप यहाँ पर पैनल में जाकर, प्लस पर जाकर आप अपना देख सकते हैं, वॉलेट पासबुक भी देख सकते हैं कि कहाँ से कहाँ तक देखना है। तो इस प्रकार से आप जो भी करेंगे इसमें वॉलेट पासबुक में दिखेगा। तो फ्रेंड्स, आप अभी तक इस ऐप के बारे में समझ चुके होंगे। ये पर्सनली मैं भी यूज करता हूँ, तो मैं रिकमेंड करूँगा आप भी यूज कीजिए। हम इसका प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, केवल आप लोगों के लिए सही होगा, तो इसलिए हमने ये बता दिया है। तो अगर इस ऐप पर आपको काम करना है, हम अभी तक केवल मोबाइल रिचार्ज पे काम किए हैं, APS मनी ट्रांसफर यूज नहीं किए हैं, तो आप यूज करके देख सकते हैं, नहीं तो आप केवल मोबाइल रिचार्ज ही कीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इस पर काम करना है, तो हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मैसेज लिखेंगे, जिसमें आप हमें मैसेज कीजिएगा, इसे आप हम आपको आईडी के लिए बताएंगे। तो अभी के लिए आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आपको मैसेज में क्या क्या लिखना है। तो आप मैसेज में लिखिए आपको आईडी आपके मैसेज में, मोबाइल मैसेज में प्राप्त हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।